पिछले वीडियो में बेटा हमने 8th क्लास की 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम 2.3 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड चेक योर रिजल्ट्स। आपको सॉल्व करने हैं और बेटे इनके रिजल्ट चेक कि आपने जो सॉल्व किया है ये सही है या गलत है, जो वैल्यू आई है आपकी एक्स की ये सही है या गलत है, आपको ये और देखना है। 3x is equal to 2x plus 8, 3x. 2x साइड चेंज करेंगे तो किसके हो जाएंगे बेटा माइनस के। मैंने 2 को चेंज नहीं किया, x को नहीं चेंज किया, किसको लाया बेटा साइड चेंज की है 2x की। इधर प्लस का साइड चेंज करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, is equal to 18. 3x में से 2x सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा x is equal to 18. क्लियर आ गया बेटा, किस x की वैल्यू आ गया। हम इसे चेक करके देखते हैं सही है या गलत है, कैसे करें। 3 LHS is equal to क्या है बेटा 3x, 3 into x की वैल्यू 18, 18 3 जा 54। RHS क्या है बेटा 2x plus 18, 2 into x की वैल्यू 18 plus 18, 18 2 जा 36 plus 18 क्या आ गया बेटा 54। So LHS is equal to RHS, दोनों इक्वल आ गए तो हमारा क्वेश्चन क्या है सही है। भाई हमने ये वैल्यू रखी, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3x is equal to 2x plus 18, इसका मतलब अगर x की कोई भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसमें LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या होगी बेटा सेम होगी, सेम मान आएगा दोनों का, सॉल्व करेंगे तो दोनों का क्या आ गया सेम आ गया। अब इसके बाद आपको करके देख रहे हैं चेक, यहां तक का जवाब क्लियर है देखो। चेक करके देखने के लिए हाँ क्वेश्चन सही है या गलत है। सेकंड क्वेश्चन बेटा, फाइव टी माइनस थ्री, थ्री टी माइनस फाइव। देखो बेटा फाइव टी है थ्री टी है, वेरिएबल को एक साइड में ले लेंगे बेटा और कॉन्स्टेंट को एक साइड में कर लेंगे। थ्री टी फाइव टी प्लस के थ्री टी साइड चेंज करेंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, माइनस के फाइव माइनस के थ्री साइड चेंज करेंगे किसके हो जाएंगे प्लस के। फाइव टी में से थ्री टी सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा बेटा टू टी, माइनस के फाइव में से प्लस के थ्री सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा माइनस के टू। हमेशा जब साइन अपोजिट हो, साइन अलग अलग हो तो हमेशा बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट का सब्सट्रैक्ट होता है, साइन बड़ी डिजिट का आता है तो माइनस फाइव बड़ी डिजिट है तो टू किसका आ गया बेटा माइनस। t is equal to minus 2 upon 2, t के साथ 2 मल्टीप्लाई में 2 बन गया 2, क्या वैल्यू आ गई बेटा माइनस t की माइनस 1। क्लियर। थर्ड देखो बेटा 5x plus 9 is equal to 5 plus 3x, 5x है plus का 3x है, 5x वेरिएबल को एक साइड में कांस्टेंट को क्या करेंगे एक साइड में करेंगे, 5x 3x साइड चेंज करके इधर लेके आएंगे तो किसका हो गया बेटा माइनस का, 5 प्लस के 9 साइड चेंज करेंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, 5x में से 3x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 2x, प्लस के 5 है माइनस के 9 है क्या आएगा बेटा माइनस का 4। अब देखो बेटा x की वैल्यू चाहिए, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो किसमें आ जाएगा डिवाइड में 2 बन जाएगा 2 2 2 जा 4, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस। लिख लो फोर्थ, फोर जेड प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स प्लस टू जेड, फोर जेड प्लस के टू जेड साइड चेंज करेंगे तो किसके हो जाएंगे बेटा माइनस के, इज इक्वल टू सिक्स प्लस के थ्री साइड चेंज करेंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के। वेरिएबल को एक साइड में कांस्टेंट को एक साइड में ले लिया, फोर जेड में से टू जेड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा टू जेड, और सिक्स में से थ्री सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री जेड इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू। फिफ्थ
2x minus 1 is equal to 14 minus x. x x को एक साइड में लेंगे बेटा, 2x माइनस के एक साइड चेंज करेंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, 14 माइनस का वन साइड चेंज करेंगे तो किसका हो जाएगा बेटा प्लस का, 2x और 1x कितने x हो गए बेटा 3x, 14 और 1 कितने हो गए 15. हमें x की वैल्यू चाहिए, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो किसमें आ जाएगा डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5. क्लियर है, लिख लो. सिक्स्थ क्वेश्चन, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7. देखो बेटा 8x प्लस 4, पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 3x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 3 प्लस 7. 8x और वेरिएबल इस साइड में ले लिया है जिसमें 3x प्लस के साइड चेंज करेंगे तो किसके हो जाएंगे बेटा माइनस के, माइनस के 3 प्लस के 7 तो क्या आ जाएगा प्लस के 7 में से माइनस के 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा प्लस का 4, और ये प्लस का 4 साइड चेंज करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का. क्या क्या बेटा, इस 7 में से 3 सब्सट्रैक्ट किया 4 आ गया, इस प्लस के 4 की साइड चेंज करी तो किसका हो गया माइनस का हो गया. 8x में से 3x सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 5x, 4 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे 0. हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की, तो 0 अपॉन 5, किसी 0 में किसी भी डिजिट से डिवाइड करते हैं 0 का तो क्या आता है बेटा 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई. लिख लो बेटा, बाकी फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो.